वेलकम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स कैसे कहते हैं, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स बिल्कुल ही फ्रैक्शन की तरह काम करते हैं। फ्रैक्शन में जिस तरीके से हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जैसे न्यूमरेटर होता है पी, आपका हो गया पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन एस, यू कैन से। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। सेम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर कुछ कैंसिलेशन हो सकती है तो वो हम कर देते हैं, वरना आंसर सेम है। तो ये पहला क्वेश्चन है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 7 कितना हो गया, 63। तो माइनस है तो आ गया -63। ओके, और 4 × 2 इज 8। तो मेक श्योर ये कौन से टाइप का रैशनल नंबर हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हो गया। तो मेक श्योर आप इसको डिवाइड करें और इसको मिक्स फ्रैक्शन में जरूर कर दें। सो 8 8 64 होता है, तो 8 7 आ गया 56। तो माइनस कर देते हैं 4 7, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 7 QRD। ये आर है, रिमाइंडर 7/8, और आंसर कौन सा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया -7, 7/8। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो डिनोमिनेटर हो जाता है उसका 1। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 27 -27/10। तो दो तरीके हैं, डिनोमिनेटर 10 है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ रैशनल नंबर और डेसिमल दोनों में। डेसिमल किस तरीके से, -2.7, और मिक्स फ्रैक्शन मिक्स रैशनल नंबर में कर सकते हैं। तो अगर माइनस भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो 27/10, 2 7/10, और माइनस में आंसर आएगा। तो देखिए, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज के लिए ही सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। हायर क्लासेस में ये क्वेश्चन डेसिमल में भी जाने के लिए बोल सकता है, तो ये डेसिमल का आंसर हो गया, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी बोल सकता है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। तो इम्प्रॉपर में हम नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें से जो बाकी पार्ट्स हैं आप ये खुद कर सकते हैं। तो मैं एक लास्ट पार्ट कर देता हूँ, ये सिक्स्थ वाला। तो देखिए, जब वो कैंसिलेशन हो सकती है तो आप इसको कैंसिलेशन करें। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया ऊपर, 1। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। तो 1 × 1 इज आंसर इज 1। तो मेक श्योर जो कैंसिलेशन हो सकती है उसको आप कैंसिलेशन जरूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन का जो टॉपिक है उसे। तो ज़रूर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।